चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब अपने अगले मिशन की तैयारियों में जुट चुका है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब भारत की कोशिश सूरज के करीब पहुंचने की है। इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट से ही होनी है। आदित्य L1 मिशन को लेकर इसरो को उम्मीद है कि सूर्य के तापमान यानी कि पराबैंगनी किरणों के धरती खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभाव और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करना। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पैलोड ले जाएगा।